देखिए पत्थर पहली बार थोड़ा थोड़ा गर्म होती थोड़ा गर्म होती है। चूम ले ना, चूम ले, चूम ले के। बारिश हुई, बारिश हुई, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, पहन लिया। ऊपर करके क्या मांग रहे हो? ले दे दे, भीग दे दे। अब है जो है वो समा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हमें आगरा में और आगरा के खास जगह, मशहूर जगह पे, जिसका नाम है ताजमहल। फिलहाल हम ताजमहल के पास में ही है, जहाँ पे टिकट काउंटर है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और साथ में हमारे भाई लोग हैं। टिकट लिए, ऑनलाइन बुक करिए टिकट। ये देखिए, ये हमारी टिकट है, इसको हम स्कैन कराएंगे और फिर अंदर चलते हैं और मजे लेते हैं ताजमहल। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम स्कैन कराने टिकट, और हमारे नासिर भाई जा रहे हैं टिकट स्कैन कराएंगे। अब दोस्तों, हम आ चुके अंदर और यहाँ पे है ताजमहल का पूरा नक्शा। ये ताजमहल का ओल्ड मॉडल है, कितना 1882 का, और ये 1874 का है। ये है 1892 और ये 98। फिर ऐसा बना गया, ये कौन था, 1901 में बदला गया है। पहले बहुत अच्छा था, है फिर 1959 देख सकते हो, ये 1987 का व्यू है यहाँ का। ये 2001, 2018 अलग अलग होता चला गया। और ये कौन? तो दोस्तों, अब हम अंदर आ चुके हैं और एंट्री कर चुके हैं हम यहाँ पे। ये फर्स्ट गेट है ना, और साथ में हमारे आरिफ भाई, नासिर भाई और साहिद भाई भी आए हैं। और आपको भी हम दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये लो सामने का ताजमहल का मेन गेट, ये यहाँ का ताजमहल का मेन गेट। बताओ, ये 5 साल बाद आ रहे हैं, हम तो पहली बार आ रहे हैं। रमजान में हो गए, रमजान में नहीं आ पाए। अच्छा, रमजान में। यार मैं तो अभी आया हूँ, 6 महीने बाद। आपकी बात अलग है सर। ऐसे जी छुप छुपाए, ऐसे जी पहली बार आए, इनकी आंखें बंद करो, आंखें बंद करवा लो मेरी है। पहली बार आए, आंखें बंद करवाई खूबसूरत है, मतलब क्या है। अभी भैया आंखें बंद करने को बोल रहे भाई साहब हमारी, अब हमें भी देखने दो यार, आपने तो देख रखा है। अरे अरे अरे, यहीं से आपको आंखें बंद करना पड़ेंगी। चश्मा लगा तो लिया, आंखें बंद कर क्या करूंगा, दिख नहीं रहा। अरे कुछ नहीं दिख रहा, दिखेगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफी भीड़ है यहाँ पे, और अभी अभी हम आ चुके हैं ताज महल। ये देख सकते हो आप पास, मतलब अभी दूर है, ज़्यादा पास नहीं है हम। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको पास में लेके जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक अंदर से फीलिंग अलग ही आ रही है। और हमारे भाई लोग ये खड़े हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भाई लोग? भाई हवा आ रहा है, हवा यहाँ, हाँ यहाँ हवा ठंडी ठंडी लग रही है। आओ, एक तो वैसे ही इतनी खुशी हो रही थी, पानी बहुत महंगा है। आगे आगे आगे, और काफी ज्यादा भीड़ है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सामने है ताजमहल, और हम आ चुके हैं बिल्कुल पास में। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आओ, क्या हुआ फोटो? ये भाई साहब को फोटो शूट की लगी है, यहाँ व्लॉग शूट करने आए भैया, फोटो शूट करने थोड़े आए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और अक्सर यहाँ पे भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है, जो ताजमहल का है तो क्लियर आता है इस साइड में। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमारे जुबैर भाई, साहिद भाई आगे के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। जुबैर भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कंबल रजाई लेके आती, हम छाता लेके आती, छाता लेके आती,
हमारे नासिर भाई हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, कैसे देख सकते हो आप हमारे पास ताजमहल, हमारे पास मतलब के, मतलब हमारा तो नहीं है। नहीं नहीं तुम्हारे ये कह दो तुम्हारे ये सारा सरकार ले रही है। ये यहाँ का मेन गेट और ये इनके मेन गेट के आदमी, मेन गेट के आदमी, मेन गेट के क्या बोलते हैं वॉचमैन, वॉचमैन की भी नौकरी मिल जाए तो वो बहुत सुबह बारिश हुई, सुबह बारिश हुई भाई साहब ने तो ठंडा ठंडा मौसम हुआ है पहन लिया मेरे यार, सुबह का मौसम सही है ना, ठंडा नहीं सही रहेगा मुझे क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हुई तो बेचारे ने पहन ली ऐसे जी छुप छुपाए, ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसे जी छुप छुपाए, ऐसे जी हम न पाए। आरिफ भाई हमारे निकल चुके हैं धूप की वजह से, बहुत आगे भाग चुके हैं, तपती धूप दोस्तों देख सकते हो कितनी कड़ी धूप है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है ना इस चक्कर में। तो दोस्तों यहाँ पे पानी ख़त्म हो चुका था तो इसलिए भाई साहब यहाँ पे पानी भर रहे हैं आप देख सकते हो, और ये चढ़े और शानदार व्यू के पास ये हाथ ऊपर करके क्या मांग रहे हो ले दे दे भीख दे दे भीख दे दे दो भीख दे है। ये भाई साहब हाथ में ताजमहल पकड़ रहे हैं, पकड़वा दिया ये देख अंधेरा हो रहा है इधर, कहाँ दिख रहा होगा गुरजी पकड़वा देती इसकी, हाँ सही होती इसमें पानी नहीं होती, पानी गर्मी से सूख रहा है, गर्मी अच्छा तो चलेगा कल बरसात होगी। क्या सोचती आप चली जाती है इसको, अच्छा आप अंग्रेज को देखती, आप पहली बार देखती क्या अंग्रेज को, बहुत देखते अच्छा। अंग्रेज देखे होती हमने, अच्छा तो ये भी तो एक अंग्रेज है हमारे साथ में, अंग्रेज होती हम काले हो जाते, हम जाती छाया में, छाया में छाया के पास है, छाया में छाया के पास, छाया के पास छाया के पास उसकी छाओ में ये छाया कौन होती, छाया क्योंकि मूवी की ये छाया छावे नहीं होती, अच्छा आज ज्यादा थक चुके हैं तो कह रहे हैं गर्मी के हमारे हमसे धान जा रहे तो यहाँ आके बैठ चुके हैं जी, ये देखिए जुबैर भाई की हुई गर्मी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, और तो राजा भाई का तो कुछ पता ही नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो, पर यार तुम्हारी हालत देख के लग रही है सेट गिली हो रही है ना पानी है पानी, अच्छा पानी है साहब ने गाइड है हमारे, और जो हमारे जुबैर भाई आगे बढ़ रहे हैं और शाहिद भाई के साथ में, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पानी भरने के लिए, और पानी जहाँ भरने जाते हैं उसी के पास में है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर लाल मस्जिद, माशाल्लाह बहुत प्यारी आप देख सकते हैं लाल मस्जिद है यहाँ की, और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, लाल मस्जिद की रखा गया, हाँ तो दोस्तों बहुत अच्छे गाइड आपसे ज़्यादा अच्छा गाइड कर दिया आज इसने, ये पूरे लाल पत्थर से बनी है मस्जिद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम आ चुके हैं लाल मस्जिद के पास, रहा ताजमहल इतना खूबसूरत है, वाह यार वाह, के मैं सातवें अजूबे में एक नाम आता है इसका भी ताजमहल का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना मतलब कि अपनी आँखों से देख के अच्छा लग रहा है, क्या फील आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए तो बहुत ही एक खास मतलब मोमेंट होता होगा, बड़ा ही शानदार बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, और ये तो यहीं के भाई साहब हमारे डेली आते जाते रहते हैं, भैया मैं डेली नहीं आता, मैं 5 साल में पहली बार आया, 5 साल में यहाँ के रहने वाले 5 साल में पहली बार आए हैं, तेरा नाम
तो हम चलते हैं लाल मस्जिद, जिसके बारे में मैंने भी बताया था। ये लाल मस्जिद है यहाँ की, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और अंदर का भी जा देख सकते हो कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है। और अंदर ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है ना, सुकून, काफ़ी आराम है। ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती है, देख सकते हो आप, ये हरम है यहाँ पे। और इधर साइड में भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ की मशहूर लाल मस्जिद। भाई साहब हमारे गाइड साहब कुछ बता रहे, बताइए। यहाँ जुम्मे वाले दिन नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है और बस, की नमाज होती है और वैसी नमाज नहीं होती है। बाकी के जैसा लोग पढ़ना चाहते हैं अपनी पढ़ सकते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो नमाज पढ़ अपनी यही नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा, बस यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ होती है और रमज़ान में तरावियाँ होती है। और बाकी जितने टूरिस्ट आते हैं मुसलमान भाई लोग, तो अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं लाल मस्जिद में यहाँ पे आके। और सामने ही देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ताजमहल, और पास में ये लाल मस्जिद जिस पे जहाँ पे भी हम खड़े हैं। और अब आगे चलते हैं, अभी तो बहुत बड़ा ताजमहल पड़ा है घूमने के लिए बाकी। तो दोस्तों हम आ चुके लाल मस्जिद से बाहर और अभी जा रहे हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वाइट एंगल में कितना मस्त लग रहा है ताजमहल। जगह जो है ना, पहले यहाँ से हम लोग उधर से ऊपर जाया करते थे, अब क्या है जगह बंद कर रखी है। जगह बंद है इधर की, गिरने का थोड़ा डर रहा करता था। अच्छा, यहाँ रेलिंग भी लगा दी है, तो जो पीछे समुंदर है, समुंदर समुंदर वो जो सामने दिख रहा है ना, हाँ वो मेहताब, वो सामने जो दिख रहा है वो मेहताब बाग है। तो भाई साहब बता रहे हैं जो सामने दिख रहा है आप देख सकते हो मेहताब बाग है, एक तरीके का नेचर पार्क। और नीचे पानी है, यहाँ पे रेली भी लगाई है सेफ्टी के लिए, ताकि कोई गिरे ना, जितने टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए किसी को कोई खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पे रेलिंग लगा दी है। हमारा दिल कर रहा है टच करने का, हाँ टच कर ले, गोद में उठा ले गोद में। टच करेंगे भैया, पहली बार संगमरमर का पत्थर टच करेंगे, प्योर संगमरमर का पत्थर से बनाया है। बेटा पूछ लिया टच करने से पहले, कहते के डोंट टच मी, उधर उधर टच ये संगमरमर की आवाज है। हाँ, ये आवाज पुकार रही है हमें कि उधर उधर टच मी टच मी टच मी। वजू करने का है, ये वजू खाना है, खुल जाता है। ये खास करके जुमे के दिन खुलता है वजू करने के लिए यहाँ पे, बाकी दिन तो भाई ताला लगा रहता है। कुछ लोग ये लिखा हुआ है यहाँ पे वजू हो, केवल नमाजियों के लिए जा रहा है। ये देखिए संगमरमर का पत्थर पहली बार, थोड़ा थोड़ा गर्म होती थोड़ा गर्म होती, चूम ले ना, चूम ले, हाँ चूम ले, चूम ले, चूम ले। ताजमहल भैया, ताजमहल, हाँ तुम्हारे जुबेर भाई को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। ये रात ही उधर नहीं जाती, ये वही तो गेट है, ये वही गेट है जो आजकल चल रहा है ट्रेनिंग पे। हाँ जो कुंदन मीनार होती है, जो वाइट वाली होती है वो लाल वाली होती है। सजन जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो। अच्छा लग रहा है, छू लो भैया संगमरमर का पत्थर, ऐसे 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 इतना तोड़ लो, इतना इतना तोड़ कर ले जाओ, घर में लगा लियो और क्या। तो तुम देख रहे हो कितना मोटा पत्थर है, मोटा ये घर में भी नहीं लगा होगा। बात हाँ, इसी घर में भी नहीं लगा होगा, हमारे घर में लगा हुआ, हमारे घर में लगा हुआ संगमरमर का, तो तब नहीं घिसवाती तुम। कुर्सियाँ इसके अंदर कुर्सी है, कमरे होते क्या है, कमरे है अंदर से दोस्त शाह जाके मेहमानों के लिए गेस्ट गेस्ट हाउस बोल दो, गेस्ट रूम। ये इसका गेट, मीनार के कमरों में अंदर जाने का मन कर रहा है लेकिन जा नहीं सकते, मना है, पहले ये खुला हुआ था, तो आशिक लोग यहाँ आके सुसाइड करने लगे जब से इन्होंने बंद करना पड़ा। ऐसा काम चलेगा, ऐसा भी काम चलता है यहाँ, और क्या, ऐसा मत करो यार, मतलब कि इतनी शानदार चीज है, यहाँ आके सुसाइड कर रहे आशिक लोग, यहाँ आके कोई मरना नहीं। देखो ये जो मीनार दिख रही है आपको, यहाँ से कूदते थे लोग बाग,
जो मतलब कि आसिक थे लोग बाग नहीं आसिक जो थे वो कूदते थे। आज हम नहीं चढ़ पा रहे। हाँ यार सही बात है। देने तेरे किटदा कुछ ली 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 देने तेरे किटदा ना ना हाँ कुछ ली 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 देने तेरे देने ना तो दोस्तों आप सबको हमने ताजमहल दिखा दिया है। अब हम चलते हैं आगे क्योंकि यहीं पास में के लाल किला यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे इसलिए ओ बलमा क्यों वो तूने मेरी ढोल बजा दे ये ऐसे कैसे नाचना चाह दे ओ मेरे तू लाल किला है तो बहुत बड़ा लेकिन उसका सिर्फ 30% हिस्सा खुला हुआ और बाकी 70% बंद आर्मी के लिए है। अच्छा वहीं जाके पता चलेगा अभी जाते अभी देखते हैं। उल्टा सीधा बोलती आर्मी आगे की बोर्ड से उतारती वहाँ पे चुपचाप रहना पड़ती है वहाँ ज़्यादा नहीं बोल पाती। हाँ तो हम बाहर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं। ताजमहल का व्लॉग हमने आपको दिखा दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकल ले क्योंकि जो यहाँ का मशहूर किला है लाल किला वहाँ पर जाना है और फिलहाल सुना है कि 6 बजे तक वो बंद हो जाता है तो इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग।